तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए फिर से न्यू वी आई पी ग्लिच लेके आ गया हूँ। तो गाइस इस वी आई पी ग्लिच में काफ़ी सारे न्यू इमोट्स एंड बंडल्स एकदम अच्छे वाले आ गए हैं, ठीक है, एकदम लेजेंडरी वाले, ठीक है। जिन लोग को वी आई पी ग्लिच के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दे रहा हूँ कि वी आई पी ग्लिच वो होता है जो आपके बेकार इमोट्स एंड बंडल्स अच्छे इमोट्स एंड बंडल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जिनको अप्लाई करना नहीं आता है वी आई पी ग्लिच को कैसे अप्लाई करते हैं, वो लोग गाइस फुल वीडियो देख लो, अप्लाई करना आ जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया कि वीआईपी ग्लिच को कैसे अप्लाई करते हैं, ओके गाइस। और गाइस डाउनलोड भी कैसे करते हैं ये भी बताया, सब चीज़ अच्छे से बताया। तो प्लीज़ फुल वीडियो देख लो। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, ओके गाइस। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलत फहमी जो बनी है, कोया नहीं अपना पन, सांस की राह चुनी है, बरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी, पल नहीं जाते, डूबती है सांसें, दिल ऐसे भर जाते, जाते हुए लम्हों को पास बुलाता है, थोड़ी सी भी दूरी दिल सह नहीं पाता है, सब है देखा कदम लाए, सो सो पछतावे, बेखबर का जरा बरदस्ता बेवफा, सच था या गलत फहमी पर ख्वाब नहीं जुड़ पाते, रस्ती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी, इसको अप्लाई करने के लिए आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो गाइस फाइल आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पे गाइस दो फाइल की लिंक मिल जाएगी गाइस, एक तो रहेगी हमारी ओनली बंडल्स वाली और गाइस एक में रहेगा इमोट प्लस स्किन प्लस कॉस्ट्यूम, ठीक है। तो अगर आप इमोट प्लस स्किन प्लस कॉस्ट्यूम वाली फाइल डाउनलोड करोगे तो गाइस इसमें आपको मैच मेकिंग प्रॉब्लम मिलेगा, यानी कि गाइस आपका मैच प्ले नहीं हो पाएगा, सिर्फ ट्रेनिंग मोड चल पाएगा, ठीक है। अगर आप ओनली बंडल्स वाली फाइल डाउनलोड करते हो तो गाइस इसमें आपका सभी मैच आप खेल सकते हो, जैसे कि रैंकेड क्लासेस का सब, मैच मेकिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। करने के लिए आपको लिंक पे सीधा क्लिक करना है और गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जैसे आप खुलेगा वैसे आपको यहाँ पे 5 सेकंड वेट करना है, फिर उसके बाद नीचे जाना है। गाइस जैसे ही आप नीचे जाओगे तो गाइस कुछ ऐसा
इंटरफेस आएगा अनलॉक डाउनलोड लिंक, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे 10 सेकंड वेट करना है और गाइस आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करके गाइस आपको नीचे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू पे, ठीक है। गाइस जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे बैनर वाला आएगा ऑप्शन, इस पर बैनर पे क्लिक करना है, फिर उसके एक नया पेज खुलेगा, उस पेज को हटा के इस पेज पे आना है, फिर गाइस नीचे जाना है तो गाइस गेट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो गाइस फिर एक बार बैनर पे क्लिक करके आप दूसरे पेज को हटा के इस पेज पे आके आप गेट लिंक पे जा सकते हो, ठीक है। तो गाइस गेट लिंक कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, गेट लिंक पे क्लिक करोगे जब तो गाइस मीडिया फायर की लिंक मिलेगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर डाउनलोड हो जाएगा आपका फाइल, फिर आपको जाना है प्ले स्टोर में और गाइस यहाँ पे यहाँ से जारसीवर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जैसे आप जारसीवर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो इसको ओपन करना है और गाइस जाना है डाउनलोड फोल्डर में जहाँ पे आपने वीआईपी ग्लिच को डाउनलोड किया है। अब गाइस वीआईपी ग्लिच पे वन क्लिक करना है, जैसे आप वन क्लिक करोगे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। गाइस एक फोल्डर बन के आएगा, उस फोल्डर को दबाए रखना है तो गाइस कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करना है। गाइस अब बैक वाले फोल्डर पे छूना है जो सबसे ऊपर है, गाइस उस पर जैसे छूओगे आपको एंड्रॉयड नाम का फोल्डर दिखेगा, यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है, फिर उसके डेटा में जाना है गाइस, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का जो नीचे बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी फाइल अप्लाई टू ऑल फाइल पे क्लिक करना है, फिर रिप्लेस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपकी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आपकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है गाइस। तो गाइस